नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा कोषागार निकासी मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को सजा होगी, जबकि 24 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। डोरंडा कोषागार निकासी मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट का फैसला आखिरकार आज आ गया। कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एस के शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी। बता दें कि पिता लालू के साथ बेटी मीसा भारती भी कोर्ट में मौजूद रही। परिवार को आशा थी कि लालू की बढ़ती उम्र और खराब तबीयत के कारण कोर्ट उनके हक में फैसला लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला आते ही परिवार के लोगों को निराशा मिली है। लालू यादव का परिवार और समर्थकों ने सुबह से ही कोर्ट के बाहर जमावड़ा लगा रखा था, पर लालू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि लालू के वकीलों ने जज को लालू की खराब तबीयत के बारे में भी बताया है। साथ ही लालू के वकील ने कोर्ट से कहा है कि आरोपी लालू यादव ने कभी भी न्यायालय के आदेशों या कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। अब लालू यादव को भरोसा है कि आने वाली 18 तारीख को कोर्ट उनके उम्र, स्वास्थ्य और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएगी।